वेलकम टू मनीष गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रमुख अभयारण्य या उद्यान जो है भारत में कहाँ कहाँ का। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पाया जाता है गुजरात में। ये शेरों के लिए, बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है नल सरोवर अभयारण्य, ये आता है आपका, ये भी गुजरात में आता है नल सरोवर अभयारण्य। नेक्स्ट आपका आता है बिहार में कौन कौन से अभयारण्य हैं ये देख इम्पोर्टेंट है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार में पड़ता है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये भी बिहार में पड़ता है, और भीमवंत अभयारण्य ये भी आपका बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है वो है कान्हा अभयारण्य और सतपुड़ा अभयारण्य और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रातापानी अभयारण्य जो है, रातापानी अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है सात झीलों का शहर, तो सात झीलों का शहर जो भोपाल को कहते हैं, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है जिसे। नेक्स्ट आपका आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी अभयारण्य, ये पंचमढ़ी अभयारण्य ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा अभयारण्य भी ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है सतपुड़ा अभयारण्य ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब असम के, तो असम का जो इम्पोर्टेंट है वो काजीरंगा और डिब्रू और ये मानस। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में, नामेरी। औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका असम में, और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में पड़ता है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में पड़ता है। अब बात करते हैं झारखंड के जो अभयारण्य हैं, तो झारखंड में है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है आपका दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है पलामू वन्यजीव अभयारण्य ये आपका झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका तेलंगाना राज्य में, तो तेलंगाना में कांबला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट है शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, तो शिवराम राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका तेलंगाना में। नेक्स्ट है मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तेलंगाना में पड़ता है। पाखाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका तेलंगाना में पड़ता है, पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट हैं राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लास्ट यूपी टेट एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि फूलों की घाटी कहाँ पे, तो कई लोगों ने गलत कर दिया, तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गंगा जहाँ से शुरुआत होती बहती है, तो ये भी उत्तराखंड से ही होती है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका उत्तराखंड में, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये चार इम्पोर्टेंट काफ़ी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।